तो पबजी की नई अपडेट आ रही है जिसमें हेलोवीन का इवेंट चलने का, और चूँकि बहुत मज़े का इवेंट है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप डिफरेंट चीज़ें भी मंगवा सकते हो जहाँ पे मर्जी लैंड हो। तो जैसे आपके एरो नज़र आ रहा है, ये आपका होगा सप्लाई कैन का, ये जो येलो वाला जो सेलेक्ट करेगा उसको मिलेगा जो आपका सर्कल की नेक्स्ट प्रेडिक्शन रहती है वो। उसके बाद आपके आते ये सप्लाई कैन की जो ब्लू वाला है, इसके बाद ये रिमोट शॉप होगी जो भी जिसने पैसे उठाएंगे वो ख़रीद सकता है। फिर ये ट्रेस का होगा लकी बैकपैक, इसमें भी लकी सी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद हीलिंग स्मोक होगा, यानी कि आप स्मोक फेंक कर हील कर लोगे। और ये ग्लाइडिंग का टूल है, ये बकवास है। और जो सबसे लास्ट में पर्पल है, ये गाड़ी, यानी कि आप कहीं पे भी होगे आप ये फेंकोगे आपको गाड़ी मिल जाएगी। और उसका कूलडाउन होगा, यानी कि आप नेक्स्ट गाड़ी 3 मिनट के बाद बुला सकते हो, क्योंकि आपकी गाड़ी आएगी वो 10 सेकेंड में गाड़ी आपके पास आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट गाड़ी जो है वो 3 मिनट के बाद आप बुला सकते हो। लेट्स शो यू हाउ इट लुक्स। अच्छा, तो ये एक सबसे पहले एक आइलैंड होगा जहाँ पे आपको बहुत सारी लूट मिलेगी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे ही वो हॉट एयर बलून आपको मिलेगा। और इसमें जो है आपकी जो यहाँ पे उतरते आपको रिकॉल कार्ड भी मिल जाएगा, जैसे कि पिछले इवेंट में स्क्रैप था, यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा जिसको उठाने से आप अगर मर जाओगे तो आप इंस्टेंटली कॉल रिकॉल हो जाओगे, जो कि आपको उतरते ही मिल जाता है। जैसे आप हवा में होते हो तो रिस्पॉन्स कार्ड जो है वो आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाता है, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आप आओगे आपको वैसे ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करोगे, डिफरेंट चीज़ें आपको मिल सकती हैं, डिफरेंट लूट मिलेगी, और बहुत ज़्यादा लूट है, बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर लूट मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक आइलैंड है, जैसे कि आप मैप के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आपको आइलैंड नज़र आएगा, उसको आप स्विच करके देख सकते हो कि आप एक्चुअली कहाँ पे हो। तो जैसे कि नॉर्मल होता है वैसे ये सीन है, बिल्कुल नॉर्मल आइलैंड्स की तरह ये मूव नहीं करेगा, ये स्टैटिक रहेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये नहीं होगा कि मूव करके कहीं और चला जाए। तो खैर, आपको दिखाते हैं कि जो बलून है वो कैसे उड़ाना, जो हॉट एयर बलून मिलेगा नए वाला, जिसको आप उड़ा के मैप में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक टाइम होता है, आपको 30 सेकेंड्स या पता नहीं 3 मिनट का टाइम है जो आपको देखना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। जैसे वो टाइम होगा वो जो बलून है वो पर्पल हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट बलून जो है वो 8 मिनट में होगा, जैसे वो पर्पल हो गया मैप में आपने देखा, वो देखे पर्पल हो गया। अब आप यहाँ पे बलून पे आएंगे, ये जो सामने जगह है, जब आप जंप करो ऊपर और इसके ऊपर जैसे क्लाइम करो, जैसे चीयर पार्क में होता है। अब यहाँ पे आप इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल इधर आके आप कंट्रोल करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, असेंड करोगे तो ये ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। असेंड करने के बाद जब ये ऊपर एक खास लिमिट पे चला जाएगा, उसके बाद आप इसको मूव भी कर सकते हो। अब वो जो जैसे कि कर्सर लेफ्ट पे आ गया, अब आप इसको मूव करोगे तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। ये एक नया फीचर जो पहले नहीं था, और किसी भी इवेंट में किसी भी जगह पे ऐसा का ये फीचर नहीं आया, तो ये बड़ा मज़े का होगा, इसमें बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ की एक डाउन साइड ये है कि इस पर आप गोलियाँ नहीं चला सकते, इसकी स्पीड भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे आप गोलियाँ नहीं चला सकते। लेकिन ये कि बहुत क्वाइट होगा, यानी कि आप एनिमी इस पर स्नीक कर सकते हो एक तरह से अगर आप आ जाओ, लेकिन अगेन ये तो स्लो बहुत है, तो स्नीक कर नहीं सकोगे। आपको जो भी होगा आपको देखना पड़ेगा कि भाई करना कैसे, हाउ यू गाना डू इट, हाउ यू गाना यूज़ इट। और ऊपर से आप गोलियां चला भी नहीं सकते, और इसको अगर ख़त्म करने के लिए डीपी की मैंने गोलियां मारना शुरू की थी, तो जो 7 के बुलेट्स हैं वो तकरीबन 2 मैगजीन लगे थे और साथ में कुछ 5 की गोलियां लगी थी, फिर जाके ये फटा था। यानी कि इसकी हेल्थ भी जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसको अगर आप हवा में लेके जा रहे हो तो इसको ये आराम से फाड़ भी नहीं सकेगा। यहाँ अगर स्क्वाड होगा तो वो फिर तो कोई भी चीज़ आराम से वो तो पार कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट नॉर्मली कोई भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इधर आप बंदूक या कोई गन यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर आप इधर से इसको एग्जिट करो भी, जो कंट्रोल्स को एग्जिट करो भी, तो आप जस्ट घूम सकते हो, आपके पास गन्स का यूज़ का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप गन यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो आप उतरो इस तरह, या इसको आप नीचे उतारो। अगर आप नीचे उतारो तो वो आपकी मर्जी, जैसे भी करना चाहे आप कर सकते हो। उसके अलावा एक एक्साइटिंग फीचर ये है कि आप गाड़ी मंगवा सकते हो कहीं पे भी। जैसे आप ये पर्पल देख सकते हो, आपने ये पर्पल को क्लिक किया, फ्रैग की तरह आपने थ्रो किया, इधर जो है आपके 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास गाड़ी आ जाएगी। जैसे कि आप ऊपर देखोगे प्लेन साथ ही आ चुका था, और जो साथ ही वो जल्दी से गाड़ी भी फेंक के चला जाता है, उसको पता है कि भाई गाड़ी चाहिए, वो जल्दी जल्दी गाड़ी भी आ जाती है, जो कि यू एज़ एड है फिलहाल। तो यू एज़ एड अगर अपडेट के बाद इन्होंने कोई इसको चेंज भी किया तो वो डिफरेंट गाड़ी हो सकती है, लेकिन फिलहाल यू एज़ एड आएगी। अब जो यू एज़ एड है वो पूरी हेल्थ के साथ, फुल फ्यूल के साथ आ सकती है, यानी कि जो रैंक पुश करने वाले हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहीं भी साइड पर उतर के अक्सर होता है कि गाड़ी नहीं मिलती तो वो जोन से मर जाते हैं। तो वो ये कर सकते हैं कि भाई आप एंड पे रहो,
और फाइट नहीं लो, और आप जो है आराम सुकून से गाड़ी मंगवाओ और आ जाओ भाई, आराम सुकून से आप लोग आ सकते हो। ये आपको जैसे कि आप देख सकते हो फुली हेल्थ फुली पेट्रोल के साथ जो आपको गाड़ी बिल्कुल नई मिल गई है। उसके अलावा जो ग्लाइड का ऑप्शन है जो आपको मैप में नज़र आ रहा था, जो आपने सेलेक्ट किया था ग्लाइड का ऑप्शन, वो कुछ इस तरह से है। जब आप क्लिक करोगे ये छोटा सा बलून जो है वो ऐसे खड़ा हो जाएगा हवा में, थोड़ी सेकंड्स के लिए आप हवा में उसे ग्लाइड करोगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मे बी आगे से अपडेट करेंगे इसको आप उठा कर रखो और ये लंबा चलता जाए, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा उड़ता है और ये साथ ही फुस हो जाता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि आप इसको किस तरह से यूज़ करोगे मेरी समझ से तो बाहर है, क्या ना इसका कोई चीज़ें इम्प्रूव करें तो ही हो सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। आप इसका कोई इस्तेमाल नहीं, ना इसको कोई सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। सो ये ग्लाइड का ऑप्शन है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी इसको यूज़ करेगा और इसको यूज़ करना बनता भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी वो सर्कल वाला, जैसे कि सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था येलो वाला जो ऑप्शन है उसी होगा कि आपका जो सर्कल है वो प्रेडिक्ट कर देगा, वो आपको बता देगा कि भाई ये सर्कल नेक्स्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो उससे आप ये कर सकते हो कि आप अपनी मूवमेंट जो है वो बता सकते हो कि भाई हमने इधर से इधर जाना है, इधर से आगे यहाँ पर जाना है। तो होगा ये कि जब आप फर्स्ट जोन में जाओगे, जैसे कि आप मैप पर देख सकते हो, आप फर्स्ट जोन में जाओगे, जब वो फर्स्ट जोन टच करेगा नेक्स्ट जोन के अंदर जाके वो साथ ही आपको बता सकेगा कि नेक्स्ट जोन भी कहाँ पर बन रहा है। यानी कि फर्स्ट जोन के बनने के बाद जब वो आगे कोलैप्स करेगा उसके बाद ही वो नेक्स्ट ही बताएगा। ये नहीं आप कर सकते कि भाई आप तीनों एक दफ़ा यूज़ करके सारी एंड तक बता दो, नहीं, फर्स्ट ख़त्म होगा जब सेकंड जोन जो है वो कोलैप्स उसको टच करेगा, फिर नेक्स्ट वाला आपको देख सकते हो, उससे पहले नहीं देख सकते। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप लाजमी करें, एंड अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू गाइस, बाय।